क्वालिटी ऑफ द टीचर लाइक मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक रिसर्च हुई है जिसमें 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर लिए गए हैं, उनमें से जो बेस्ट सभी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा रैंक फर्स्ट पर आया है वो है इंटरेस्टिंग टीचिंग। जो भी टीचर अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग कर लेता है उसको मैक्सिमम स्टूडेंट लाइक करते हैं, लेकिन इस पे वो ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इसमें से हमने चूज करनी है नंबर ही इज नॉट बीइंग प्रिजुडाइज। इसका मतलब नहीं पता तो आप पंजाबी में पक्षपात जा सकते हैं। जो है फर्स्ट इसका है पूर्वग्रह, यहां से हम पक्षपात जो नहीं करता, ये अच्छी बात है, इसको रैंक में वेटेज दी जा सकती है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इनका क्वेश्चन बेस्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब सारे आंसर ठीक हैं, आपको बेस्ट फाइंड आउट करना है। टीचिंग पोटेंशियल में ऐसा अक्सर होता है, तो कई बार तो आंसर ही रॉन्ग होते हैं, वहां हम क्रॉस डाल देते हैं। अच्छा, ये सभी अच्छी आदतें हैं, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, लेकिन अकेला पंक्चुअल है लेकिन वो पक्षपात करता है तो वहां पंक्चुअलिटी काम की नहीं रही। अगर पंक्चुअल है, ऐसे सोचना है आपने, जब ऐसे कोई ऑप्शन आपको आ जाती है उसको दूसरे से कंपेयर करो, पंक्चुअलिटी तो है लेकिन वो प्रॉब्लम बच्चों की पर फोकस नहीं करता, दैट इज वाई पंक्चुअलिटी डाउन जा रही है। पॉजिटिव है लेकिन छोटा टिक है, इसको यहाँ पर रिजेक्शन, फर्स्ट रैंक पर ये नहीं आ रही। उनका गुस्से ना होना, वो गुस्से नहीं होते, मान लीजिए वो गुस्से नहीं होते लेकिन आपको पढ़ाते नहीं है, लर्निंग नहीं करवाते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो गुस्से ना होना अच्छी बात है लेकिन एक छोटा सा ट्रेक है, इतना बड़ा और ये भी इतना बड़ा, और अगर पक्षपात नहीं करते ये थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा। ठीक है, पक्षपात नहीं करते लेकिन टीच कर नहीं रहे, बेसिकली पर्पस क्या है टीचर का कि ऐसा बिहेवियर या ऐसे एक्शंस करना कि लर्निंग मैक्सिमम हो। लर्निंग मैक्सिमम सीधी नहीं होती क्योंकि लर्नर के पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वीकनेसेस हैं, तो सबसे पहले अगर वो प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा तो लर्निंग होगी ही नहीं। दैट इज वाई बी ऑप्शन हमारे लिए सबसे बड़ी है, इसमें ये सारी कवर हो जाती हैं, इसका दायरा इतना बड़ा है। ठीक, तो अगर वो प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा है ज्यादा, पंक्चुअलिटी कम है, तो भी ये आंसर बेटर है। और वो गुस्से होता है लेकिन प्रॉब्लम आपकी भी सॉल्व करता है, उस पर फोकस करता है, आपको गाइड काउंसलिंग करता है, तो भी ये बेटर बन रही है। वो भेदभाव नहीं करता, वो इक्वालिटी को फॉलो करता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, इसको आप तुक्का मेथड से भी अप्लाई करना है तो सबसे लंबी जो है, अगर ना कोई रीजनिंग आपकी चले, सबसे लंबी वाली जो ऑप्शन है, एंट्रेंस टेस्ट में ऐसी गलतियां हो रही हैं, सो आप थोड़ा सा इसको अप्लाई कर सकते हैं जब रीजनिंग आपकी काम नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग इस तरह से आप कंपेरिजन करके काम चला सकते हो, इससे राइट आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड टीचर मस्ट बी गुड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, गुड प्रीचर, उपदेश करने हैं दे रहे हैं उसने, गुड लीडर है ना, ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम है कि वो गाइड कर सके। यहां उल्टा हो गया, सबसे छोटे वाली जो स्टेप ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, क्या काम होता है, क्या टीचर का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो हेड का काम होता है, प्रिंसिपल का काम होता है कि जिसमें टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज और सर्विसेज जो फैसिलिटीज हैं उनको मैनेज करना है, प्रोवाइड करना है और ऑर्गेनाइज करना है। एक पेपर भी आपको लगेगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो उसका काम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का होता है, वो हेड का काम होगा। तो गुड प्रीचर, प्रीचर रिलीजियस एक टर्म है जिसमें आपने उपदेश देने होते हैं, अच्छे विचारों को दूसरों को बताना होता है, वो माने या ना माने। प्रीचर कभी भी इवेलुएट कभी नहीं करता। प्रीचर काम आदेश देना नहीं है, उपदेश देना है। ठीक है, तो प्रीचर और टीचर में क्या फर्क है कि टीचर जो मैसेज देता है, कंटेंट टीच करता है, नॉलेज स्किल टीच करता है, उसको इवेलुएट भी करता है। तो प्रीचिंग में आप इवेलुएशन नहीं करते, इवन फॉर्मल इवेलुएशन नहीं करते,
गुड लीडर, यस गुड लीडर चाहिए, लेकिन गुड लीडर होना काफी नहीं है। बेसिकली चाहिए क्या कि एक वो टीचर के बारे में कहा भी जाता है, गुड टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, इसको याद रख सकते हो। तो गाइड में क्या है कि जब लर्निंग, ये टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस है गाइडेंस की, तो गाइड में क्या करना है, जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ऐसी इंटरेक्शन के उसको डिफरेंट पाथ जो है, डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करने के वो बेस्ट ऑप्ट कर सके उसकी पोटेंशियलिटीज के मुताबिक। आप एजुकेशनल गाइडेंस में अच्छे सब्जेक्ट को चूज करना भी हो सकता है कि लर्निंग में प्रॉब्लम आती है वहां प्रॉब्लम पर फोकस करना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तारे जमीन पर आपने फिल्म देखी है तो उसमें क्या है कि वो एक अच्छा गाइड बन रहा है। तो गाइड का काम क्या है कि जब भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम पर नहीं, बच्चे पर फोकस करके उसको इतना स्ट्रांग कर दे कि प्रॉब्लम छोटी हो जाए और बच्चा प्रॉब्लम से निकल के नेक्स्ट लर्निंग में चला जाए। सो गाइड करना यहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि जो टीचर है उसका मेन काम क्लासरूम में, पहला काम क्लासरूम में है, स्कूल में है, इंटरेक्शन करना है सारे स्कूल में, है ना। तो इंटरेक्शन में उसको हर वक्त गाइड करना होगा, हर वक्त लीडर नहीं बने रहना। जब गाइड है तो अब न्यू जो थ्योरीज है टीचिंग और लर्निंग की, वो उसे को लर्नर कह रहे हैं, टीचर को लर्नर कहा जाता है। अच्छा, अब टीचर को मॉडर्न कंसेप्ट में फैसिलिटेटर कहा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको, गुड टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, चंगी शिक्षा का एक कार्य है, अच्छी शिक्षा एक कार्य है किसका, डिवोशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई है, इसको राइट लेके चल रहे हैं, टिक भी लगा रहे हैं, जो रिजेक्ट कर ले तो उन्हें कौन से रिजेक्ट होते हैं, हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ओनली क्वालिफिकेशन से अच्छी टीचिंग हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे हैं और टीचिंग अच्छी होगी तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको तो रिजेक्ट किया जा सकता है। गुड लीडरशिप ऑफ द हेड, हेड का काम एडमिनिस्ट्रेशन है ना कि टीचिंग, ये भी रिजेक्ट हो रहा है। गुड कनेक्शंस ऑफ द टीचर, हाँ ये पॉजिटिव है, इस पर टिक लगाया जाएगा। अब कनेक्शन किसके किससे, ये देख सकते हैं आप, कनेक्शन किसका किससे, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ कनेक्शन, क्या कनेक्शन अच्छा होना सारी डिवोशन को कवर करता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। कनेक्शन किसका, एक कनेक्शन टीचर का स्टूडेंट के साथ है, एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ है, एक कनेक्शन टीचर का हेड के साथ है, तीसरा कम्युनिटी के साथ है, ये संबंध अच्छे बने हुए हैं तो टीचिंग अच्छी होगी। कि दूसरा हमारे पास जो शब्द है, हमारे पास शब्द है डिवोशन। अब अगर डिवोशन है, डिवोशन मीन आप उसकी पूजा एक तरह कर रहे हो, इतनी श्रद्धा है तो उसको डेडिकेशन आप दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए इतने इमोशंस रखते हो, नेचुरली डिवोशन का मतलब यहां पर मोटिवेशन हो गया। अगर मोटिवेशन है तो गुड कनेक्शन सारे बन ही जाएंगे। अगर गुड कनेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि डिवोशन या मोटिवेशन बन जाए। इट मीन्स सबसे पहले डिवोशन का होना जरूरी है, तो बाकी चीजें खुद खुद कर लेगी। यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास थे, कनेक्शन और इसको में से हमने बड़ा किसको पाया, डिवोशन को। अब इस फिल्म में भी अगर हम देखें तो इस फिल्म में आमिर खान जो एक टीचर है, उनकी खुद की लाइफ थोड़ी वैसे सफर हुई थी, दैट इज वाई वो बच्चों को समर्पित है, उस प्रोफेशन को समर्पित है और उनकी प्रॉब्लम पर फोकस नेचुरली कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, एक जीरो को हीरो बनाया जा रहा है और उनके कलीग से भी अच्छे रिश्ते बने। इट मीन्स पहले डिवोशन है, मोटिवेशन है, अफेक्शन पहले है, तो उसके बाद वो फोर्स जो है डिवोशनल फोर्स आपको खींच के ले जाती है कि अच्छे रिश्ते भी बना लोगे, अच्छी टीचिंग भी बना लोगे और अच्छे प्रैक्टिसेस भी बना लोगे। हाउ एज ए टीचर यू विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ वीक स्टूडेंट। अब वीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट का मतलब थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, है ना। वीक स्टूडेंट है कि जो बाकी बच्चे लर्न कर रहे हैं, ये इतना 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 लर्न कर रहे हैं, वीक बच्चा थोड़ा कम लर्न कर रहा है, ये भी लर्न कर रहा है, ये भी कम, हो सकता है एक ही एरिया में कम लर्न कर रहा है, जैसे मैथ्स में, मल्टीप्लीकेशन में, है ना,
दूसरा हो सकता है कि इंग्लिश में वीक हो या लिसनिंग में स्पीकिंग में वीक हो, तो एरिया भी हो सकते हैं, ओवरऑल वीकनेस भी हो सकती है. ठीक है, तो वो वीकनेस को सबसे पहले वैसे डायग्नोज करना होता है, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होती है. ये दो शब्द इंटर रिलेटेड है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर पहले टेस्ट लिखता है और आपका देखता है कि बीपी कितना है, शुगर कितनी है, ये वाले टेस्ट की रिपोर्ट देखता है, उसके बाद मेडिसिन देता है. वो रेमेडियल टीचिंग जो वो मेडिसिन है, दवा का काम करती है. तो वीकनेस का सिंपली ये होता है. लेकिन यहाँ पर क्या है कि वीक स्टूडेंट है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, लर्न नहीं कर पा रहा. जैसे ईशान को अभी आपने देखा, तो वो क्या होता है, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दे. प्रिंसिपल क्या करेगा, सॉल्व. सबसे पहले टीचर ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फोकस करना है. ये टीचिंग का एक पार्ट है. बाय इंटीमेटिंग द पेरेंट, बच्चों को बता दे आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, पेरेंट टीचर जो मीट होती है उस पर ये बता दिया जाए. तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरों पर फेंक रहे हो, दूसरों पर फेंक रहे हो. विद द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, पीयर ग्रुप को जो है हेल्प उनकी लीजिए. हाँ, ये पॉजिटिव है, उनकी हेल्प थोड़ी ली जा सकती है. ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बाय गिविंग स्पेशल अटेंशन. ये राइट आंसर सीधा बन रहा है यहाँ पर कि आप स्पेशल अटेंशन देखिए. स्पेशल अटेंशन कैसे होगी, क्लासरूम के बाद आप हर रोज 20-30 मिनट एक्स्ट्रा देते हो, स्कूल से पहले एक्स्ट्रा टाइम देते हो, उसको आप टीचिंग लर्निंग एड उसके लिए स्पेशल कुछ करते हो, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक उसकी एक्सरसाइज लेसन प्लान करते हो, है ना. जो आपने इस फिल्म में भी देखा है, ये देखिए स्पेशल अटेंशन क्या है. यहाँ आमिर खान साहब एक टीचर जो है प्रिंसिपल से ये बात कर रहे हैं कि एक ईशान बच्चा है, उसकी रीडिंग राइटिंग को इग्नोर करके उसकी लर्निंग पर फोकस किया जाए कि वो याद करता है, उससे मुंह जुबान लिख के नहीं, उससे ऑरली सुन लिया जाए, उसका एग्जाम डिफरेंटली लिया जाए. तो हमने तो लर्निंग देखनी है ना, क्योंकि उसे डिसलेक्सिया जहां लर्निंग डिसेबिलिटी है. तो स्पेशल अटेंशन मीन सभी बच्चे अब नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए बच्चे को दिया जा रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू नीड. नीड ईशान की क्या थी, रीडिंग डिसेबिलिटी थी उसको, कैलकुलेशन डिसेबिलिटी थी. तो वो उसके अनुसार उसके लिए लेसन प्लान करते हैं, टाइम देते हैं. अच्छा, उनको सेंसरी एक्सपीरियंस दिया जाता है, लिखने की प्रॉब्लम है तो पहले बड़ा लिखवाया जाता है. ये स्पेशल अटेंशन में है, स्पेशल चिल्ड्रन की बात भी हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन. मेन टर्म को सर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब समझ लेना है. डिसिप्लिन का मतलब है कि कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग एंड बिहेवियर. ठीक है, तो कुछ एक्शंस आपने करने हैं, कुछ आपने नहीं करने हैं. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जब बाहर से लोग प्रेशर, मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर टीचर डालते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है, सोशल फोर्स लगी हुई है जो आपको कंट्रोल करने में, डिसिप्लिन बनाने में लगी हुई है, सोशल फोर्स है. दूसरा जो डिसिप्लिन है, आप खुद ही पॉजिटिव पर फोकस करते हो. वो जब खुद ही करते हो, दूसरे लोगों को आपको कभी कहना नहीं पड़ता कि ये करना है ये नहीं करना, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं. सेल्फ डिसिप्लिन कब होगा, जब आपकी टीचिंग जो है इंजॉयबल होगी और लर्नर फोकस्ड होंगे. जब फोकस्ड है तो वही काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा. लेकिन हम एनवायरमेंट क्लासरूम में, इंडियन क्लासरूम में ऐसा नहीं बना सके. लेकिन सारे जमीन पर ऐसे कई सीन है जहां पर आपको एक्सटर्नल फोर्स से भी डिसिप्लिन बनाया जाता है. और दूसरा क्लासरूम ये है इन टीचर का, जहां पर एंजॉय भी किया जाता है, काम भी दिया जाता है, फ्रीडम भी दी जाती है. इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए. ओके, सब कुछ किया जाता है. ये तो बच्चे जब एंजॉय करते हैं तो अपने आर्ट वर्क में, आपने जैसे यहाँ पर देखा होगा आगे चलते, तो अब यही बच्चों का डिसिप्लिन है कि नहीं है. एक टीचर ये कहकर कह सकता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिएटिव काम में लग गए हैं. तो एक ऐसी अप्रोच है जिससे आप खुद जो है
जब आप जिम्मेवारी देते हो, गोल देते हो, तो बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये मेरे ख्याल में पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया है, 3-4 क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होते हैं, बाय गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पर आपकी एनर्जी लग रही है, तो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एस्पेक्ट पर नहीं लगेगी। इंस्ट्रक्टर बोलता है रूल रिगार्डिंग कंडक्ट, ये हमारा जो एक्सटर्नल सिस्टम है वो रूल पर फोकस करता है, रूल तोड़ा तो पनिशमेंट है, रूल नहीं तोड़ा तो रिवार्ड। ठीक है, पनिशिंग देम ये वाला तो कभी अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि पनिशमेंट बहुत कम अडॉप्ट करनी चाहिए अच्छी टीचिंग में। मेकिंग देम फॉलो द रूल, ये भी रूल को हो रहा है तो बेस्ट हमारा जो आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है, यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो शब्द मैच कर रहे हैं मैक्सिमम।